नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेट में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिनकी इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रिपरेशन से रिलेटेड एक भी वीडियो आपसे किसी भी कंडीशन में मिस ना हो पाए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसे भी इस सेट के 40 क्वेश्चन से मिनिमम 20 क्वेश्चन आते होंगे वो एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के पूरा करके आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, यूजी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पैटर्न। तो ये टाइम कितना है, 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 300 है। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी के लिए, बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायो प्लस, बीएससी होम साइंस, बीएससी मैथ्स प्लस बीएससी होम साइंस के लिए ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। लैंग्वेज और लिटरेचर सेक्शन जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके 20 क्वेश्चन करने हैं 40 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। साइंस ग्रुप जिसमें 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसके 120 क्वेश्चन 240 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं हाई स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो दूसरा वाला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, वो नॉर्मल है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन स्पीशिएशन हैपेंस इन क्विक एंड रैपिड बर्स्ट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। क्या है ऑप्शन, क्या होगा इसका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आंसर क्यों होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स व्हेन स्पीशिएशन हैपेंस इन क्विक एंड रैपिड बर्स्ट इन ए स्मॉल स्पीशिएशन रिक्वायर्स दैट द टू इंसिपिएंट स्पीसीज बी अनेबल टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग टुगेदर आर दैट दे अवॉइड मेटिंग विद मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप। That's why option A is correct. Reproductive isolation is correct. Question number 2 क्या है? Which of the following shows the correct order from oldest to youngest of these species? Oldest to youngest आपको find करना है। तो इसमें Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens ये होगा, नहीं। सबसे पुराना oldest कौन सा है? Australopithecus. Australopithecus afarensis सबसे oldest है। Youngest कौन सा है? Youngest Homo sapiens है ना? स्पेसीज, तो ऐसा कौन से ऑप्शन से इज करेक्ट, एस्ट्रोलोपिथिकस एफरेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, ऑप्शन से इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ईपोस ऑफ सेनोजोइक एरा। वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ईपोक्स ऑफ सेनोजोइक एरा। तो इसमें कौन सा होगा, मायोसिन, पैलियोसिन, प्लेस्टोसिन, ईओसिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन एंड प्लेस्टोसिन करेक्ट आंसर है। द सेनोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू द पैलियोसिन पीरियड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पैलियोसिन, ईओसिन एंड ओलिगोसिन ईपोक्स, the Neogene period which consists of the Miocene and Pliocene epochs and the Quaternary period, the Pleistocene and the Holocene epochs. That's why option D is correct. Question number 4, इसमें क्या है, which of the following combination of structural feature is expected to be present in a secretory cell? Which of the following combination of structural feature is expected to be present in a secretory cell? इसका option कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्रेटरी सेल्स हैव एबंडेंट
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेल डेवलप्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स इन टू द सराउंडिंग मीडियम। बी क्या है, डाइजेशन ऑफ मटीरियल टेकन अप बाई फाइगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। सी क्या है, डाइजेशन ऑफ पार्ट्स बाई द सेल बाई ऑटोफैगी। तो इसमें करना क्या है, विच ऑफ द एबे प्रोसेस इज आर द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। फंक्शन ऑफ लाइजोसोम कौन सा है इसमें, डाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल बाई ऑटोफैगी नहीं। ऑप्शन डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन अप बाय फाइगोसाइटोसिस आर फाइनोसाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑल्सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डाइजेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल बाई ऑटोफैगी। बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट फर्स्ट डेट इज सिंड्रोम एंड लिस्ट सेकेंड डेट इज क्रोमोजोम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एडवर्ड सिंड्रोम किससे रिलेट करता है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्रिजोमी 18 से करता है। हीमोफीलिया किससे करता है, रिसेसिव जीन सिंड्रोम से। और ये क्लाइन्स फिल्टर ये करता किससे है, ये करता है एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स XXY। और क्रीडीचैट किससे करता है, ये 5P सिंड्रोम जो लास्ट वाला बच्चा है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाई। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाई इनहिबिटिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये होगा नहीं, बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाइंडिंग टू द ऑक्सी कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेसिफिकली इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडोज ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चैन। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलम फर्स्ट मैच करना है कॉलम सेकेंड। इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्लियोट्रॉफी टेस्ट क्रॉस सेल्फिंग सिकल सेल एनीमिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एनालिसिस ऑफ क्रॉस रिवील्स द फॉलोइंग पॉइंट। F1 हाइब्रिड एग्जिबिट कैरेक्टर्स इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स। F2 प्रोजेनी एग्जिबिट अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी। थर्ड क्या, इंडिविजुअल विद एवरेज आर इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर सम न्यूमरस देन आइदर ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप्स। व्हिच इनहेरिटेंस शोज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा, F1 F2। व्हिच इनहेरिटेंस शोज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोजेनिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉफी, पॉलीलिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल अबव मेंशनड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये जो F1 F2 इंडिविजुअल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ग्रीन कलर। यहाँ आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ग्रीन कलर इन व्हीट वेयर ईच जीन प्रमोट्स पिगमेंट प्रोडक्शन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेरेंट ग्रीन है, वेरी लाइट एंड वेरी डार्क। F1 जनरेशन ऐसी हुई, F2 जनरेशन, एंड ये फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्राफ से समझाया गया है स्किन कलर इसका। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एलेक्ट टू बी द फादर ऑफ अ बेबी हैविंग ब्लड ग्रुप बी व्हाइल द मदर हैज ब्लड ग्रुप ए। व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द रियल फादर का आपको ब्लड ग्रुप फाइंड करना है। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, मदर्स ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली इज ए गिवन है, सो जेनेटिकली दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेबीज ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली बी है, तो जेनेटिकली आपका ये हो जाएगा IB। फादर ब्लड ग्रुप हैज़ टू बी फिनोटिपिकली वी, जेनेटिपिकली इट कैन बी दिस IB IO। तो ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा रियल फादर का वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, When the base composition of DNA from Mycobacterium tuberculosis was determined,
18% of the bases were found to be adenine. What is the Z plus and C plus concentration? What is the guanine? What is the guanine plus what cytosine content? कितना होगा? सबको पता है कि 18% एडिनिन होता है, जो ये चारगॉप्स रूल पता है ना, ए प्लस जी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस जी टी प्लस सी हो गया। तो मीन्स जो एडिनिन होता है और थाइमिन होता है, आपको फाइंड करना है गुआनिन एंड सी साइटोसिन। तो 18 क्या हुआ, एडिसिन का एडिनिन का 18 हुआ, तो साइटोसिन का कितना होता है, साइटोसिन का भी 18 होता है। तो हम तो 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36 का बचा कितना, 64 बचा, क्यों 100 लेट कर उसका 100 होता है ना, चारों का ऐड करते हैं फिर 100 आता है, उसका 100 है 18 और साइटोसिन इनका 18 है। तो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 माइनस 100 कर देंगे, जिसका कंसंट्रेशन आ जाएगा जी प्लस सी का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टैक्सा अकर्स ओनली इन सी एंड ओशंस? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टैक्सा अकर्स ओनली इन सी एंड ओशन? कौन सा है, स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स, जेलीफिश, स्पॉन्जेस, स्क्विड्स, हाईली डेवलप्ड क्रिस्टिसा? तो ऑप्शन इसमें है स्पॉन्जेस कैन अकर इन फ्रेश वाटर ओनली, ऑप्शन स्पॉन्जेस सी को छोड़ के सारे हैं, ए बी सी डी ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पॉन्जेस कैन अकर, स्पॉन्जी क्यों नहीं है, क्योंकि स्पॉन्जेस कैन अकर इन फ्रेश वाटर, अदर ऑप्शन आर द ऑर्गेनिजम्स डेट कैन लिव इन सी एंड ओशन वाटर। गई क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? सैग्रिन, ड्राइड स्किन ऑफ सार्क विद पैलियोकॉइड स्केल, प्लाकॉइड स्केल, इजिंग्लास, जेलेटिनस प्रोडक्ट ऑफ एयर ब्लैडर, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी थर्मोरिसेप्टर इन द स्नाउट ऑफ फिश, मार्मेड पर्स मेड फ्रॉम स्केल्स ऑफ सार्क। इसमें आपको इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन बताना है। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी आर ए स्पेशल सेंसिंग ऑर्गन, इसमें क्या लिखा है, थर्मोरिसेप्टर इन द स्नाउट ऑफ फिश, ये इलेक्ट्रोरिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी और मैच क्या है, थर्मोरिसेप्टर, बट ये इलेक्ट्रोरिसेप्टर होते हैं, डेट्स व्हाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्टली पूछा इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी आर ए स्पेशल सेंसिंग ऑर्गन कॉल्ड इलेक्ट्रोरिसेप्टर फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ जेली फील्ड पोर्स। ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर मॉडिफाइड? पॉइजनस ग्लैंड ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर मॉडिफाइड, स्वीट ग्लैंड, सेविसस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सलाइवरी ग्लैंड ऑल ऑफ देम। द पॉइजन ग्लैंड ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर पॉसिबली द मॉडिफाइड सुपीरियर लेवियल सलाइवरी आर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। Depending upon the species of snakes, the poison glands may be almond-shaped, pear-shaped or triangular. तो ये ऑप्शन सी होगा करेक्ट, क्योंकि जो वो है मॉडिफाइड है, पॉइजनस स्नेक की जो ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड मॉडिफाइड किसकी है, सलाइवरी ग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एनिलिडियन फीचर्स, ट्रिपोब्लास्टिक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट, अ ट्रू शियोलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो किससे होता है मैच ये, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स डू ऑल दीज अप्लाई, अर्थवॉर्म्स, लीच, नेरिस? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल द अबव मेंशन्ड फीचर्स आर सीन इन नेरिस ऑफ द क्लास पॉलीसेटा, पॉलीसेटा फाइलम एनालिडा, पॉलीकेटा। क्वेश्चन नंबर 16, द कोर्स ऑफ वाटर करंट इन साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न? प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सॉरी। द प्रोसेस द कोर्स ऑफ वाटर करंट इन साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न? आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, प्रोनाउंसिएशन पर कम। इसमें कौन सा ऑप्शन है, कैनाल, एपोपिल, एपोपिला,
स्पॉन्जियोल, स्पॉन्जियोसेल, ऑसिकुलम आउटसाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन थ्रू फिगर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओरिला, स्पॉन्जी, मोलस्का एंड पॉलीसीटा, तो इसको मैच करना है लिस्ट टू से करेक्ट। तो इसमें ओरिला जो है ए का ऑप्शन टू, इफायरा, ओरिला रिलेट्स टू इफायरा, स्पॉन्जी रिलेट्स टू फेरेंसीमुला, फेरेंसीमुला एंड मोलस्का रिलेट्स टू वेलिजर एंड पॉलीसीटा रिलेट्स टू ट्रोकोफेयर, ट्रोकोफोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रैप अराउंड एक्सॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रैप अराउंड एक्सॉन्स, डेंड्राइट एक्सॉन होता नहीं, एक्सॉन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑलिगियोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलिगियोडेंड्रोसाइट्स, ऑलिगियोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलिगियोडेंड्रोसाइट्स रैप एक्सॉन विद मेलिनसिथ विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी पे क्वेश्चन थोड़ा कर लेना आप, क्वेश्चन आ सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसका फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड ग्रोथ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब भी रॉन्ग है। रियरिंग ऑफ प्रीमैच्योरली बॉर्न बेबी इज डन इन इंक्यूबेटर, रॉन्ग। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द गेस्टेशन इनसाइड द ओम, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड द ओम ऑफ मदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द आईवीएफ प्रोसीजर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ, गो टू कमेंट सेक्शन एंड 19 क्वेश्चन का रेफरेंस देके आपको आंसर देना है। आईवीएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, आईवीएफ प्रोसीजर इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजिंग एन एग आउटसाइड द बॉडी इन अ लेबोरेटरी डिश एंड देन इम्प्लांटिंग इन इट इन अ वुमेन्स यूटरस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्रैंक्विलाइजर्स, पहले बताओ वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ट्रैंक्विलाइजर्स, बारबिट्यूरेट्स, नारकोटिक्स, कोडीन, हीरोइन, स्टिमुलेंट्स, कोकीन, कैफीन एंड हेलुसिनोजेंस का क्या होगा, एम्फिटामाइंस, करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्फिटामाइंस आर अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक साइको एक्टिव ड्रग्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS स्टिमुलेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेलुसिनोजेंस, एम्फिटामाइंस आर करेक्ट आंसर, करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजेंस डू नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजेंस डू नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो वैक्सीन, हिस्टोन्स, एडजुवेंट्स, नॉन ऑफ दिस। वैक्सीन एंड एडजुवेंट्स इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, वेयर एज हैप्टेन्स एट देयर ओन डजंट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। Haptens are incomplete antigens that do not cause an immune response upon binding because they cannot bind to MHC complexes. Haptens may bind with a carrier protein to form an adduct which is also a complete antigen. Question number 22 kya hai? What is metastasis? What is metastasis? In metastasis, iska explanation kya hoga? In metastasis, cancer cell breaks away from where the first formed primary cancer, travel through the blood or lymph system and form new tumors, metastatic tumors, in other part of the body. The metastatic tumor is the same type of cancer as the primary tumors. So option kaun sa correct hoga iska? Option C is correct. Movement of cancerous cell from one side to another side in the body. That's why option C is correct, metastasis. Question number 23. Poikilocytosis. Poikilocytosis is a condition in which blood cells
वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉइक्लोसाइटोसिस। पॉइक्लोसाइटोसिस क्या है? वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसीज इज नोन एज पॉइक्लोसाइटोसिस। आरबीसीज में चेंज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बिकॉज पॉइक्लोसाइटोसिस इज द वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसीज। तो वेरी इन शेप, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू क्वेश्चन 24 क्या है? मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड विद आइटम ऑफ कॉलम सेकंड। एक्सरे, व्हाट डू मीन बाय एक्सरे? एक्सरे क्या है? एक्सरे रिलेट्स टू व्हाट? एक्सरे रिलेट्स टू विलियम रेंटजन। विलियम रेंटजन, एक्सरे रिलेट्स टू विलियम रेंटजन। आई का डी, फर्स्ट का डी। एग, व्हाट एग? एग रिलेट्स टू हैंस बर्जर। हैंस बर्जर। एनएमआर रिलेट्स टू ब्लोच एंड पर्सल। एंड पेसमेकर चार्डक। जयपुर फूड पीके सेठी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच हार्मोन कैन रिप्लेस कोल्ड ट्रीटमेंट विद इंड्यूस्ड वर्नलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय वर्नलाइजेशन? मेनी प्लांट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। विच हार्मोन कैन रिप्लेस कोल्ड ट्रीटमेंट विद इंड्यूस्ड वर्नलाइजेशन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिब्रेलिन। मेनी प्लांट्स विच रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट। मेनी प्लांट्स विच रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर फोटोपीरियोडिक ट्रीटमेंट फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावर, विदाउट विच वर्नलाइजेशन डजेंट हैव एनी इफेक्ट। इफ सच प्लांट्स आर ट्रीटेड विद जिब्रेलिन, they produce flowers without subjecting the plant to cold and photoperiodic treatment. That's why option A is correct. Question number 26 and most important question ye hai ki unfolding of leaves takes place due to. General question but important. Unfolding of leaves takes place due to nutation, hyponasty, epinasty, nastic movement. When a leaf or a petal shows more growth on adaxial surface or upper surface resulting in unfolding of leaves is known as epinasty. That's why option C is correct. Epinasty bolte hain isko. Like kar do, sign and like ka. This question number 27. The phenomenon in which seed germinates while they are still enclosed within fruit is known as. The phenomenon in which seed germinates while they are still enclosed within fruit is known as. So, V.B. Perry. Yeh bhi important question hai. V.B. Perry. The newly formed seed germinates while they are still enclosed within the fruit and are attached to the parent plant. This phenomenon known as V.B. Perry. Option B is correct. Question number 28. Mimicry regarding pollination is often found in. Mimicry regarding pollination is often found in. Option B is correct. Orchids. B is correct. Orchids. Mimicry in plant is pollination by sexual deception in orchid that mimic the female mating signal of one or a few insect taxa, resulting in highly specific pollination by males attempting copulation with the flower. That's why option B is correct. Orchids. Mimicry regarding pollination. Option C is correct. Question number 29. Vallisneria spiralis is a classical example of what? Vallisneria spiralis is a classical example of epihydrophily. Epihydrophily. Option A is correct. Pollination takes place in the surface of water is called epihydrophily. Vallisneria spiralis is a classical example of epihydrophily. ये 29 हो गया. अब देखते हैं next question 30. अरे नहीं भाई, question number 30 40 का set मैंने बनाया था, ये set छूट गया, typing problem. मैं आपको जो next question बचे उनको next video में बता दूंगा. तो आपको कितने क्वेश्चन इस सेट से आ रहे थे, क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे लगा, स्टैंडर्ड कैसे थे क्वेश्चन के, आप कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा बताइए. तो और वीडियो को लाइक
पसंद आए तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, बट कमेंट सेक्शन में जाके बताइए डिसलाइक क्यों किया। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तक क्योंकि आगे बहुत सी वीडियो आने वाली हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम।